Hello everyone. So if you think, why is it taking me so long to get what I want in my life, then this video is for you. So understand, it is not because ki aap worthy nahi hai apni desire ke. It is not because you do not want it enough. It is not because ki koi fate ya destiny aapke against mein hai. इट इज नॉट बिकॉज कि किसी और को मिल गया है और अब आपके लिए नहीं बचा है. इट इज नॉट बिकॉज कि आप डिजर्विंग नहीं है. द ओनली रीजन एवर कि आप अपनी डिजायर अभी तक नहीं आपको मिल पाई है, द ओनली रीजन इज कि आप उस डिजायर की वाइब्रेशन पर वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं. आपकी फ्रिक्वेंसी और आपके डिजायर की फ्रिक्वेंसी अलग है. योर फ्रिक्वेंसी, यू नीड टू इम्प्रूव योर फ्रिक्वेंसी. और जैसा कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर में डिपेंड करती है. सो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि ग्रेजुअली वन बाय वन आपको अपने थॉट्स में चेंज लेके आना है. आपको अपने सारे रेजिस्टेंट थॉट्स जो कि आपको आपकी डिजायर तक पहुंचने में टाइम लगा रहे हैं, ऑल दोज रेजिस्टेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स लाइक ऑफ डाउट, ऑफ फियर, ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑफ रिसेंटमेंट, तो वो जो आपको रोक रही है उनको आपको एक एक करके हटाना है. सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग एट ईज. और जितना आप रिलीफ एंड ईज महसूस करते जाएंगे, समझ लीजिएगा कि आपका रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है. वैसे ही जैसे कि जब आप एंगर, स्ट्रेस, डाउट या फियर में होते हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग टेंस और आपका रेजिस्टेंस हाई रहता है. सो start removing all those thoughts and feelings one by one, and when you will start feeling at ease and relieved, aapki vibration aapke desire ki vibration pe match karne lag jayegi and you will manifest your desire at jet speed. Bye bye.